सब्सक्राइब करें हमारे यू हेल्प चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे दोस्तों, यू हेल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 8वीं पास कैंडिडेट के लिए लगभग 82 पदों पर वैकेंसी आई है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत एक बहुत अच्छी कंपनी है। उसके अंतर्गत 8वीं पास कैंडिडेट के लिए 82 पदों पर वैकेंसी आई है। वैकेंसी की पूरी डिटेल्स इस वीडियो में हम देखेंगे। पोस्ट की अगर हम बात करें तो वॉचमैन की पोस्ट है। जॉब लोकेशन आपकी वेस्ट बंगाल या फिर सिक्किम रहेगी। इसमें 82 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें SC की 18, ST की 4, OBC की 18, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट की 6, एक्स सर्विसमैन की 20 और जनरल की 42 पदों पर वैकेंसी आई है। इस तरह से टोटल 82 पदों के लिए वैकेंसी आई है। योग्यता सिर्फ 8वीं पास है। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 25 साल है जनरल कैंडिडेट के लिए, SC ST कैंडिडेट के लिए 30 साल और OBC के लिए 28 साल। योग्यता की अगर हम बात करें तो इसके लिए योग्यता सिर्फ 8वीं पास है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट के आधार पर इस पर सिलेक्शन होगा। 120 क्वेश्चन का और 120 नंबर का 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें कि जनरल नॉलेज, रीजनिंग और बेसिक मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चन रहेंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप होगी। इस तरह से रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के आधार पर इस पर आपका सिलेक्शन होगा। फिजिकल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसकी कोई मेरिट नहीं बनेगी। इसका फॉर्म हमें ऑनलाइन भरना है। फॉर्म को भरने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 18 सितंबर है। इस पूरे नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अप्लाई ऑनलाइन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 18 सितंबर है। 8वीं पास कैंडिडेट है। टोटल 82 पदों पर वैकेंसी आई है। सब्सक्राइब करें हमारे यू हेल्प चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा।